कैप्टन इस टाइम पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जल्द से अपने घर पहुंच चुके हैं और फैंस को जिन्होंने फर्स्ट दर्शन अपनी क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन के बाद जिस तरीके से दिया आपको मुकम्मल इनका दर्शन दिखाएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं। बहुत ही कम ऐसे इवेंट होते हैं जब खुद जलसा के गेट पर आकर वो फैंस के साथ गेट एंड वेट करते हैं। वहीं पर मीट एंड ग्रीट के इस चक्कर में जिस तरीके से खुद अमिताभ बच्चन आए और उन्होंने जलसा के गेट पर खड़े होकर खैर बुरी हालत में उन्होंने फैंस के साथ फैंस को हैंड वेव किया। फैंस का कहना है कि हमें आपके लिए सबसे ज्यादा चिंता थी क्योंकि कुछ दिन पहले खुद प्रोजेक्ट के पर शूटिंग करते हुए जिस तरीके से उनके पांव और उनकी पसलियों पर बुरी तरीके से फ्रैक्चर हुआ। फैंस के साथ इन्होंने शेयर करते हुए कहा था कि मेरे लिए बहुत सारी प्रार्थना करें, इस टाइम पर मैं AIG हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मुझे इतनी बुरी पेन है कि इससे पहले मैंने जिंदगी में इतनी बुरी पेन नहीं सही। वहीं पर डॉक्टर्स में बात रिपोर्ट सामने आई कि उम्र किस दोबारा इनके 80 साल अमिताभ बच्चन को बेड रेस्ट की मुकम्मल 3 से 4 महीने बेड रेस्ट की जरूरत है और बहुत जल्द अमिताभ बच्चन डिस्चार्ज होकर घर जाएंगे, लेकिन वहां पर भी इनको खुद डॉक्टर्स की टीम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेगी। लेकिन इन सारी चीजों में जैसे अमिताभ बच्चन काफी जल्दी रिकवरी कर जलसा अपने घर पहुंचे, वहीं पर डॉक्टर्स की टीम भी इनके साथ तो मौजूद थी लेकिन फैंस इनके जलसा के घर के बाहर इनके सिर्फ एक दर्शन लेने के लिए मौजूद थे क्योंकि फैंस काफी अरसे से सिर्फ इनकी इंजरी की बात सुनने से लेकर अब तक सिर्फ रोज इनके जलसा के बाहर जमा होते थे ताकि वो देख सकें कि वो घर आ गए हैं या फिर नहीं। पर जैसे ही ये घर पहुंचे वहीं पर इनकी गीट एंड मीट के लिए फैंस वहां पर मौजूद थे। उन्होंने वहां पर हैंड वेव किया। फैंस का कहना है कि अब खास से बेहतर है और हमें इस चीज से सबसे ज्यादा खुशी हुई कि अमिताभ बच्चन ने इतनी जल्दी रिकवरी करी। खैर व्यूअर्स, आपको इनका इतनी जल्दी से रिकवर होकर वापस जलसा आना और फैंस को मीट एंड ग्रीट करना कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।